गांव में जब एंट्री करे तो उसकी स्वच्छता तो ही पता चल जाए भाई कि एक सरपंच ने काम करे कैसा यहाँ का रहन सहन है, तो साफ सुथरा गांव बना दिया भाई ने। तो आज पशुपालन में किस तरह का काम कर रहे हैं भाई उसकी जानकारी लेंगे। तो बार बार स्वागत है पंकज भाई का पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजयेंद्र ओली की तरफ से सारे भैया ने राम राम भाई। आज पहुंचे हैं गांव बारवास जिला भवानी तहसील लोहारू पंकज भाई के पास में। और भाई पूर्व सरपंच है, भाई ने सरपंची में भी बहुत अच्छे काम करे क्योंकि गांव में जब एंट्री करें तो उसकी स्वच्छता तो ही पता चल जाए भाई किस एक सरपंच ने काम करे कैसा यहाँ का रहन सहन है, तो साफ सुथरा गाँव बना दिया भाई ने। तो आज पशुपालन में किस तरह काम कर रहे हैं भाई उसकी जानकारी लेंगे। तो बार बार स्वागत है पंकज भाई का पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पे। राम राम भाई साहब, सरपंच साहब। राम राम जी, राम राम। कर दो जी सारे राम राम कर दो एक बार। सारे पशुपालक मंच देखने वाले सभी को राम राम भाई। तो भाई साहब के एक वोट आता है जीत हासिल करी थी। जीत भाई साहब 350 वोट हासिल हुई थी जीत। 1800 वोट के करीब पोल हुए थे। 1800 वोट पोल हुई थी। काम का आशीर्वाद बढ़िया मिले। बढ़िया भाई साहब। फिर काम भी उसाई करे भाई जी। हाँ, मन लगाए काम करे भाई साहब पूरा। फिर अगले प्लान में करी कोशिश। कोशिश करी थी लेकिन सिरे कौन चढ़ी। इव कैन सिरे नहीं चढ़ी। हाँ चलो जी, लगाया को नहीं, फार्म को लगाया हूँ। अच्छा, फार्म को लगाया। हाँ, कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया था। देखो भाई एक चीज है, गांव राम में तो मैं तनियो को हूँ, एक प्लान करके और भाई ने जिम्मेदारी दे दे। ले भाई तू करी संभाल। हाँ, कल गांव राम का काम भाई साहब। फिर कै पशु आज जो सेल करने हैं वीडियो के माध्यम से उनकी और बता दे। दो दिखाऊंगा भाई साहब। काम अपना दूध का है, दूध बेचो हो भैंस बेचा करो सेल परचेज करो। आप ही तो भाई साहब थोड़े ही दिन हुए सर उगरी, मैं तो दूध दे का काम करेगा। दूध का काम। हाँ, दूध दिए करूंगा। अच्छा भाई जी, इस एरिया में जो स्त्रियां आवे तो खूब है पर कई कई दिन में गेड़ा लग गया है। दूध का रेट और बता दो कि कुछ चार रेडक फैट पजा है। रेट तो भाई साहब कि मैं कोला का रेट तो 60 लगा लो घंटे का। अच्छा जी। हाँ, मैं इसका तो रेट कम है कुल मिला गई भाई, क्योंकि मान लो आप जींद जांद कहने जाओ हो 75-80 तो भी कई। हाँ, वो पुन्ना मारे रुका 70 तो ऊपर ऊपर है मतलब उस साइड। हाँ, 70 तो ऊपर ऊपर जाओ है दूध कम से कम। तो देखो भाई पंकज भाई ने कोई हमने तो इबा शुरू करे है, एक दो पशु अपना लिया हुआ हर बेच ले हैं। तो ये अपने घर की है, खरीद के लिए घर की है भाई साहब। यहाँ अपने घर की। हाँ, ये माँ भी अपने घर आई थी। हाँ, कितना दूध काट रखे इसकी माँ का तो भाई साहब के नाम लिख दे 20+ था, 21-22 किलो दूध था आराम से इसकी माँ ने काट रखे। हाँ, यो काटते के तोल में ना भाई साहब, मैंने तोलिया तो दिया को नहीं, अंदाजा सर। हाँ, अंदाजा सर आखू मैं देख उड़े तोल की देख लियो मैं। अच्छा, तो अच्छा, लीटर काट है इसकी माँ ने 21 मान लो आप। हाँ, और इसकी के कंडीशन आज कै दिन की भी है यह भाई साहब? मेला चल रही है। अच्छा, कौन सा ब्याह था इसका? इसका सेकंड टाइमर है भाई साहब, दूसरी बार में बच्चा दे रही है। और काप क्या जी नीचे? कटड़ा है भाई साहब। यूरिया ये भाई मेल काप है, कटड़ा है। तो कै दिन की होगी वैसे भैया? या भाई साहब आप मानो 12 दिन की मानो। 12 दिन की भाई मेला लगी भाई। हाँ, मेला लगी, मेला लगी है 12 दिन की भाई। तला दूध कितना है ई भाई साहब? तैयारी का पाऊगा 16 करीब। ई तैयारी का अलगड़ी में। हाँ, 16 लीटर तैयार है बीच में भाई। हाँ, दूसरा ब्यात है भाई, लेवटा लेवटा जो आपके शामी है जी साहब है। पशुपालन की नींव मजबूत करना चाहते हैं या अपने पशुओं से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? आपके डेयरी फार्म के बच्चे जितना जल्दी बड़े होकर तैयार होंगे आपका पशुपालन भी उतना ही मजबूत होगा। आज से ही छोटे बच्चों को राइट काफ पिलाएं। राइट काफ बच्चों को बीमारियों से बचाता है और उनका वजन और हाइट को बढ़ाता है। राइट काफ पिलाने का तरीका, 6 महीने के बच्चे को 20 ml, 1 साल के बच्चे को 25 ml और 2 साल के बच्चे को 30 ml दे सकते हैं। पशुपालन की नींव राइट काफ। तो आज 12-13 दिन की ब्याई तला भाई मेल काफ से और दूध तैयारी का 17 मान लो या 16 मान लो, कोई 16 लीटर मान लो भाई। हाँ, 16 लीटर तैयार है। धार दूर है किसी है भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया है भाई साहब। नरम है चौआई? नरम चौआई से बहुत। अच्छा, बढ़िया है। के विचार है बीच का भाई साहब? दूध तो न्यू मान लो मैं लाग ली भाई, अरे और माड़ा मोटा बद जाएगा मैं अच्छा देखिए बड़ा भाई साहब। मेरा यह मानना है कि 18 ते नीचे रहे को नहीं है आराम से। और अपने घर की है? घर की है भाई साहब। दूसरा ब्याह से नहीं का? हाँ, दूसरा ब्याह भाई। तो के मोल करोगे का इसका भाई साहब? 2 लाख रुपये मोल। 2 लाख रुपये में सेल करोगे इसमें? हाँ। तो 2 लाख रुपये इसका मोल भाई। और भाई ने कहा 16-17 तो तैयारी का है और मैं फैला रिया चल रही है। और देखो दोबारा किलो
एक किलो की सा भी बढ़ जाएगा, दो किलो जी सा भी बढ़ जाएगा। गर्मी का भी टाइम, हाँ गर्मी तो है, आज फिर भी थोड़ा आराम है ना, कई दिन तक गर्मी बहुत घनी ज्यादा थी भाई। तो 2 लाख रुपये मोल भाई जी का, मान सम्मान के कुछ करोगे? मान सम्मान भाई साहब करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, करना आएगा, मान सम्मान जरूर करना पड़ेगा। तो कए बजे का डेरो दारे भाई साहब? 5 सुबह रही, 5 बजे शाम नहीं, 5 बजे। तो इब भी न्यू मान लो 5:15 का टाइम हो रहा है, और इसकी भी एक बार धार दिखाई देंगे दूध कितना है एक टाइम का इसके नीचे, और भाई किसी ने अच्छा लग गया पशु तो भाई दूध भी दिखा देंगे, चवाई भी दिखा देंगे, जितना तैयार है वो भाई ने बता दिया, और एक टाइम का अंदाजा आप भी लगा लियो। तो 2 लाख रुपये मोल भाई जी का। अगली ले आओ जी, इसकी क्या डिटेल है पंकज भाई? यह भी सेकंड टाइमर है भाई साहब, यह भी दूसरे बैरी। हाँ कह दिन की बैरी होगी यार, यह तो भाई साहब आप 25 दिन की मानो, ऊपर भला एक दिन 25 दिन की ऊपर बेशक हो सके। हाँ काप क्या नीचे इसके? कटड़ी है भाई साहब यारी, नीचे भाई देखिए कटड़ी है, दिखाइए तस्वीर, फीमेल काप है इसके लगभग भाई ने बताई है या 25 दिन की बैरी है, ऊपर भी हो सके है। हाँ इसमें कितना दूध है? इसमें कितना दूध तैयार है? इसमें भाई साहब 20 लीटर तैयारी का है। 20 लीटर है? हाँ ये बाल गड़ी में तैयारी का है, तैयारी का भाई साहब इसमें 20 लीटर है सेकंड टाइमर में भाई, और 20-25 दिन की भाई में 20 लीटर भाई ने कहा दूध तैयार हो रहा है। मैं फिर का क्या विचार, इसने बेचोगे कि नहीं? हाँ इसने बेचा दे भाई साहब, अगर कोई सही रेट लगा तो बेच दे। रेट तो पंकज भाई ने मांगना है, जितने का अपना धन लग गया उतने रुपये मांग लो, किसी का सूता होगी तो खरीद लेगा, कॉल कर लेगा आप दो ना, तो भाई दूध काटन लाग रही है, दूध आप बेचन लाग रहे हो। हाँ के मोल करोगे का इसके भाई साहब? 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये? हाँ सेकंड टाइमर है, नीचे भाई फीमेल काफ है। अरे ये भी सिमन की है भाई साहब, बढ़िया सिमन की है। सिमन की है वो मन धरिया था आज को नहीं, लेकिन बिल्कुल बढ़िया सिमन की भाई साहब, डॉक्टर भद्रवा है वो बताया गया था सिमन। अच्छा सिमन तो जिस तरह कई भाई प्राइवेट बुल भी अच्छे कुछ है, चंडी भी के भी अच्छे रिजल्ट आओ है, तो एक तो नहीं हो भाई, चंडी भी क्या इधर की गया भाई साहब, लोकल डॉक्टर से, सरकारी डॉक्टर भद्रवा ना, लोकल अपने लोकल डॉक्टर से। अच्छा जी प्राइवेट पे? हाँ प्राइवेट प्रैक्टिशनर भद्रवा था भाई, वो देखो कौन से का दर रखा वो भाई ने भी रहा है, या की शिक्षा धार दूरा की? यह भाई साहब बिल्कुल बढ़िया है, नीचे की नरम चौवाई है। हाँ तो 2.5 लाख रुपये मोल है जिसका। हाँ 20 लीटर दूध तोल के देंगे फिलहाल। हाँ अच्छा ये फिलहाल इसमें 20 लीटर तैयार है? तैयार है भाई साहब। इसमें के मान सम्मान करोगे भाई साहब? इसमें करना पड़ेगा तो भाई साहब जो को आओ करना ही पड़ेगा। एक तो न्यू अंदाजा दे दो भाई, 1000, 2000, 10000, 5000 अगियो अंदाजा रहेगा मान सम्मान का? इसमें कर दे भाई साहब 5-7 का के 5-7 हज़ार रुपया का भाई। हाँ। भाई में मान सम्मान कर देंगे। देखो भाई पशु आपको दिखा दिए हैं और दोनों हमें तैयार है दूध, तैयार दूध के पशु हैं, इसलिए आपने थोड़े कॉस्टली भी लगेंगे, और भाई कीमत आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लियो, भाई ने बताई है 2.5 लाख इसकी और 2 लाख रुपये उसके हैं भाई। हाँ दोनों सेकेंड टाइमर है, एक तला 20 लीटर है, एक तला 16 लीटर तैयारी का। तो ले भाई तैयार दूध का पशु होना तो उड़े धारा के मौके पहुंच रहे हो, तो कोशिश कर रहे हैं अग भाई दूध जरूर दिखा दे, गलत से पंकज भाई? बिल्कुल सही बात है भाई। और भाई पशुपालन में एक चीज हम हर बार कह रहे हैं, सक्सेस जब होगा जब पूरा परिवार मिलकर काम करे। हाँ ये तो अपने नहीं होगा भाई सारे एक आदमी में बस की बात को नहीं। अच्छा ये कौन सी का दूध है? ये इसका खार किया भाई, या दूसरे या दूसरे ब्यांत में है भाई, जो 12-13 दिन की ब्याई है। हाँ कितना का होगा भाई दूध? वैसे भाई ने 16 बताया था जी, साहब अलग तो है भाई। हाँ तेरी का भाई साहब, इस तो फालतू बना हुआ गया, पार्टी का साइज देख लो, और इबया मल लग रही है फिलहाल। हाँ मल कल लगी है, और भाई ने कहा है कम से कम मैं इसकी 18 की उम्मीद मान रहा हूँ। और यो दूध भाई साहब यो इसका भाई साहब यो इसका जो सीगा 20 किलो बताओ थे आप? हाँ है? हाँ या भी दूसरे बैरी 25 दिन की ब्याई है यार। हाँ यही इतना, और इसका 20 किलो बताओ थे आप? हाँ देखो 10 तो नहीं है मेरे ख्याल ना, कम अवधि है भाई, कम है ना फिलहाल, थोड़ा ऊपर अपन कौन मान जाएगा पशु वीडियो वीडियो बनाओ उस करके वो भाई आध पौने घंटे तक हम भी से दुखी करने लग रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने लग रहे हैं चलान फिरान में थोड़ा ऊपर अपन मानेगी। कैसी के दार इसकी? बिल्कुल सॉफ्ट दार है जी इसकी, नरम है बिल्कुल, बिल्कुल नरम। अच्छा काम ये 10-11 पशु हैं जी, सारे रण मिलकर करोगे? हाँ बिल्कुल सब मिलके करते हैं। पंकज भाई बहुत बढ़िया मानस है, देखो खूब मेहनत कर लग रहा, पसीना पसीना हो गया भाई ना, सारी तो भारी एसी में लोटे है भाई, पर आज खूब मेहनत कर रहा है, रोजा करा पंकज? मैं रोजा नहीं करूँ भाई साहब, डेली डेली का काम मेरा है। तैयार दूध के रेट बताए हैं भाई ना, दोनों सेकंड टाइमर है, जेनुइन होगा ब्याज? बिल्कुल जेनुइन भाई साहब, ये तो दिखता भी होगा। सही बात है जी, ब्याज और भाई जो भाई खरीदना चाहता हो भाई के पास कॉल कर लियो, फोन नंबर क्या है अपना? मेरा भाई साहब 98-123-38-003 98-123-38-003 ये होगा ना नंबर? हाँ भाई साहब ये फोन नंबर है भाई, और बारवास गाँव है, जिला बेवाणी और तहसील लुहारू
10-11 किलोमीटर होगा लोहारू 10-11 किलोमीटर आगे पड़ जाए भाई, गर्मी बहुत गनी है। इन दिनों में तैयार दूध के जो पशु हैं वे आपने थोड़े से महंगे जरूर मिलेंगे, और बाकी भाई आप अपनी कमेंट में राय लगातार न्यूज देते रहा करो, और भाई पशुपालन में जो भी परिवार काम करते हैं लगातार रल मिल के न्यू काम करे जा रो। एक बार रो दाली वीडियो आपने दिखाओ थे और एक आज यहाँ पे बनाई है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा ये मोटिवेट हो है भाई, परिवार अगर एक साथ रह के काम करेगा। देखो कई बार आप देखते हो सुखबीर डांडा भाई है, आज इतनी जो कामयाबी मिली है इससे त्रिया नहीं मिली, एक छोटा छोरा वो भी लागे रहे है, तो पूरा परिवार मिलकर काम करेगा जब सक्सेस होंगे। गलत है भाई साहब ना, बिल्कुल सही बात है भाई। तो राम राम कर देव सारे, राम 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 राम।